एक्चुअली उस टाइम में ना लोगों का कोई काम नहीं था जो महल बनाते, पैसा अंधा पैसा है क्या करे, ये सब सोचते थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा नॉर्मल टिकट्स है वो 3000 पर पर्सन। थैंक यू सो मच एंड दैट्स टैटू कैफे फॉर यू। So good morning everyone, I hope you're doing well. Welcome back to Nab Zindagi. This is the next day from Rudra Villas and bahar ka weather dekhoge, this is the weather bahar ka, pura safed, subah to aur bhi zyada safed tha, abhi time ho raha hai, you can see 9:15, nice. Jaipur na mere ko lagta tha ki pink city hai, mere ko yahan pe aake lag raha hai white city ho gaya. She is now getting ready. Kitna time lagega aur ho gaya 5 minute. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, हमारा प्लान है पत्रिका गेट जाने का। सो इट्स अ नाइस इंस्टाग्रामेबल प्लेस, तो देखते हैं यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे या फिर ओला उबर जो भी मिलेगा। सो दिस इज माय आउटफिट पूरा आ रहा है। तभी मैंने पूरा मेकअप नहीं किया था, अभी पूरा मेकअप के साथ आप लोग देखो। तो हमने बुक कर लिया ऑटो, यहाँ पे ऑटो मिल जाता है उबर पे, तो इट्स अ गुड थिंग, बहुत सस्ते में हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पत्रिका गेट। अच्छा यहाँ पे ये विंटर शील्ड होता है, दैट्स अ न्यू थिंग दैट आई सॉ, ताकि हवा अंदर ना आए, और ये काफ़ी मोटा है लेदर टाइप। इसकी वजह से थोड़ा भी ठंड नहीं लग रहा है, सच अ गुड थिंग। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं, तो जिस पत्रिका गेट, ये सिर्फ एक गेट है जहाँ पे अंदर में काफ़ी अच्छे फोटोज रील्स निकलते हैं। इसको कह रही थी कि यहाँ पे क्या भीड़ होगा अभी, बिकॉज ज़्यादा लोगों के मुंह से नहीं सुना है मैंने इस जगह के बारे में, मतलब वीडियोस देख रहा था, ढूंढ के मिला ये, एंड यहाँ पे भीड़ देखो। यहाँ पे तो प्री वेडिंग ही प्री वेडिंग चल रहा है, यहाँ पे एक और वहाँ पे एक, नहीं मतलब वहाँ पे दो, तो बीच इस साइड उस साइड हर साइड से पूरा कवर कर लिए हैं, और हम टूरिस्ट्स के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा उस साइड पे भी है, अच्छा उस साइड पे जाते क्या है, हर जगह हम जाए तो जाए किधर। हमने यहाँ पे बहुत सारे रील्स शूट किए, हालांकि नहीं मिला जैसा हम चाहते थे एग्जैक्टली exactly, हाँ, वैसा तो हुआ नहीं है, बिकॉज अभी भी लोग हम लोग चाहते थे एक्चुअली फॉरेनर्स लोग आए। हाँ बोलो बोलो, अंदर है वहाँ पे क्या होता है दौड़ना चलना, एग्जैक्टली ऑल द गेट्स एक साथ अलाइंड होके बहुत अच्छा रील बनता, बट वो हुआ नहीं। बट द थिंग इज यहाँ पे इतने सारे फॉरेनर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि दिस पीपल आर वेस्टिंग मनी फॉर नॉट फॉर मैरिज, फॉर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट दे आर गोना गेट मैरिड। इनको कैसा लग रहा होगा, वो भी करते हैं ये सब, मेरे को लगता नहीं है कि बाहर वाले लोग ये सब करते हैं प्री वेडिंग वगैरह। लोगों का तुम प्री वेडिंग नहीं देखे हो, फॉरेनर्स का नहीं, फॉरेनर्स का देखे हैं जो इंडियन एनआरआई है जो यहाँ से ही जाते हैं। वही के मैंने देखा नहीं है, वही के मैं तुम्हें दिखाती हूँ चलो। अच्छा मेरा कोई भूख लगा क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अब यहाँ पे बाहर में क्या मिलता है देखते हैं, राजस्थानी स्ट्रीट फूड। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। तो हमने यहाँ से मैगी बोला है, एक प्लेट मैगी 60 रुपये का, यहाँ पे स्टोरीज लिया जा रहा है। बाप रे इतना धूप नहीं दिख रहा। हमने ये मैगी ली है, कैसा है? बहुत ही अच्छा है, 60 रुपये ज़्यादा है वेज मैगी के लिए, वेज मैगी के लिए, लेकिन खाने में तो अच्छा है। हाँ ये इतना प्राइस होता नहीं है जस्ट बिकॉज ये बाहर है एकदम पत्रिका गेट की, इसलिए प्राइस है। तो उसके बाद हमने पाव भाजी लाया, यहाँ पे 2 पीस पाव भाजी आपका 40 रुपये लिया, ये दाम कम, हाँ 2 पीस का 40 है। तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, बहुत गर्म। तो अभी यहाँ से हम लोग उबर ऑटो करके जा रहे हवा महल।
तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हवा महल। एंड हवा महल की खूबसूरती मेरे को लगता है बाहर से ही है, अंदर एंट्री करेंगे उसके बाद अंदर से भी देखेंगे। सो दिस इज़ द हवा महल। हम लोग इसके ऑपोजिट साइड के कैफ़े में जाएंगे, तब आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिल दिखा पाएंगे। तो वो दोपहर में होगा, अभी एंटर करते हैं। आज जहाँ पे जा रहे हैं बहुत भीड़ है, जिस परफेक्टली टूरिस्ट टाइम हम लोगों ने कंटेंट बनाने के लिए ऑफ सीजन में आना पड़ेगा, तब बनेगा अच्छा कंटेंट। यहाँ पे गर्मी में आना पड़ेगा, ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे एंटर तो कर चुके हैं, बट लेट्स सी हाउ द प्लेस इज। मंदिर वाला भाई वाला है। हाँ। तो भैया यहाँ पे टिकट ले लिया है एडल्ट का, 52 रुपीज़ है। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट कुछ लाइसेंस कार्ड मतलब कार्ड वगैरह होता है तो आपको काफ़ी कम में हो जाएगा। सो टिकट लेने के बाद सीढ़ी से आपको चढ़ के हवा महल पे जाना है। तो जनहित में एक सूचना, यहाँ पे आप कैमरा सब कुछ ला सकते हो, ब्लॉग कर सकते हो, लेकिन आप इधर जैसा ट्राईपॉड नहीं ला सकते। हालांकि वो सिर्फ आप फोन भी लगा उसमें, बट आप ट्राईपॉड नहीं ला सकते। तो ये है हवा महल का पूरा प्रोटोटाइप, क्या सही दिख रहा है। तो ये जो हवा महल है ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है 1799 में, मतलब कितने कम एज में बनाया था, 1778 में वो जन्म लिए हैं। अच्छा, तो कितना कम एज में उन्होंने बनाया है। एंड ये जो बाहर जो गार्डन आपने देखा, दैट वाज बिल्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए, मतलब टू शो हिज इंटेंस लव भगवान के प्रति, इसलिए वो बाहर वाला बनाया है, सजाया है उसको। सो दिस इज हाउ इट लुक, ये वैक्स स्ट्रक्चर है। सो आर्किटेक्चर बहुत सही है दिस शारदा मंदिर। आप देखो इन सब जगह में रहने में भी मजा आता होगा, नहीं? ओ दिस इज द हवा महल का जो बाहर का खिड़की है। ओके, तो इसका एक रीजन है जो आई थिंक तुम्हें नहीं पता होगा। ये वाला खोल सकते, ये वाला खोल सकते, तो एक्चुअली ये हवा महल का मेन जो रीज़न था बनाने के लिए वो थी जो रॉयल फैमिली में जो मतलब रॉयल ब्लड की जो रानियाँ या फिर जो प्रिंसेस राजकुमारियाँ जो रहती थी, ये रास्ते में मान लो कोई ओकेशन होता है, जैसे हमारे में होली होता है या फिर रथ यात्रा होता है, तो उस जमाने में जो जो कल्चरल ये होता था, रैली निकलता था, तो देख पाए रास्ते में जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वो लड़कियाँ या फिर रानियाँ महारानियाँ जो भी हैं सब औरतें रॉयल ब्लड की यहाँ से देखती थी, ताकि लोग उन्हें देख ना पाए। अच्छा, बट वो सब कुछ देख पाए। नहीं मतलब उनको चेहरा छिपा के रखना होता है, मतलब नहीं इतने खूबसूरत है कि नहीं दिखाएंगे लोग, काइंड ऑफ दैट थिंग जो पद्मावती में देखा था। और ये हम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, स्लोप है। खिड़की ये जो होल्स है ना ये स्लैंटिंग है, भाई आप खड़े होना नॉर्मली देखोगे तो आपको नीचे ही दिखेगा। एक्चुअली उस टाइम में ना लोगों का कोई काम नहीं था, जो महल बनाते पैसा अंधा पैसा है, क्या करें ये सब सोचते थे। एक और बात, यहाँ पे हवा महल इतना लंबा है
ताकि लोगों को उस टाइम पे तकलीफ ना हो, सीढ़ियाँ चढ़ के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ दी है नहीं, हमको तकलीफ नहीं हो रहा है चलने में, स्लोपिंग है, जस्ट नॉर्मल चल रहे हैं। तो भैया ये सिटी पैलेस में हम लोग आ गए हैं। यहाँ का जो नॉर्मल टिकट्स है वो 300 रुपये पर पर्सन है, बट अगर आपको वो जो शाही मतलब वो क्या कहते हैं उसको, महल नहीं, महल के अंदर का जो मतलब मेन पैलेस है या फिर जो मेन रूम्स हैं जो मतलब बहुत आलीशान दिखते हैं, दोस कॉस्ट 3000 पर पर्सन फॉर एडल्ट्स, और अगर एडल्ट नहीं है तो 1500 पर पर्सन। और यहाँ पे म्यूजियम जो है, म्यूजियम के अंदर फोटोशूट मना है। हाँ, म्यूजियम जो है उसके अंदर फोटोशूट हाँ मना है, एंड 3000 अगर एक रूम का मतलब एक नहीं तीन रूम आप देख पाओगे, बहुत बहुत ही आलीशान, मतलब वहाँ पे जाके आप लगेगा कि क्या देख लिया आप। लेकिन 3000 कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तो ये है आपका पूरा मैप, एंड राइट में भी देख सकते हो, पॉज करके देख लेना आपको जो देखना है, इज एंटायर मैप। तो हम लोग ये म्यूजियम से निकले, यहाँ पे मेनली आपका क्या है कि ड्रेसेस रखे हुए हैं, ड्रेसेस, कारपेट, ये सब। हाँ, कारपेट, वो लोग जो भी सारे बनाते थे, और पोलो क्लब का आउटफिट, हाँ, जो जो पहन के खेलते थे, उन लोग का अलग ही है, मतलब एक पहन के खेलेंगे तो वो पहन के बैठेंगे नहीं, वो पहन अच्छा खेलने का भी अलग अलग है, चेस एक चीज़ पहन के चेस खेलेंगे तो दूसरा चीज़ पहन के वो आपका पोलो खेलेंगे घोड़े पे बैठ के, लड़ने के लिए अलग ड्रेस, लड़ते नहीं थे मेरे को लगता है, इसलिए ड्रेस नहीं देखा मैंने। अंदर एक पैजामा था इतना बड़ा, मतलब हाँ बहुत, यहाँ पे एक लेग था, यहाँ पे एक लेग था, लोग मजाक कर रहे थे कि रानियाँ मोटी होती थी। तो यहाँ पे है एक शॉप जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो आप पीछे देख रहे हो सिल्वर वेसल है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोई जार जो चांदी का बना हो माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा है, और ये बनाया गया था यहाँ के जो महाराजा थे वो 1902 में इंग्लैंड में ट्रिप करने गए थे, तो इसमें गंगा जल भर के, दैट टाइम गंगा जल बहुत साफ़ होता था, तो अभी तो पीने लायक है नहीं शायद, बट उस टाइम पे इसमें गंगा, और इसका नाम गंगा जल ही है, यू कैन सी हियर, और इसको गंगा जाली, तो इसमें कितना 14,000 सिक्के को गला के इसको बनाया गया है, और इसका टोटल वेट इस वेसल का है 345 किलोग्राम वेट है इसका। पहले के ज़माने में इसमें जो अभी इंग्लैंड में गए हैं इसको कैरी कैसे कैसे किया गया था, इसमें पहिया होता था, अभी खोल के रखा गया है। सो सिर्फ ये नहीं है, ये दो है, सो इस दोनों को भर के मतलब महाराजा गंगा जल ही पियेंगे, इंग्लैंड का पानी नहीं पियेंगे। भाई साहब ये वो एक सही चीज़ देखा मैंने लाइफ में। ये जो आप पैलेस देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला यही है जो 3000 का कॉस्टिंग का है। बाय द वे ये जो पैलेस है इसको बनाने का मेन रीज़न था, मतलब महाराजा ने क्यों बनाया था, बिकॉज़ राजस्थान में पानी का बहुत इशू है, तो पानी को प्रिजर्व करना है या फिर जितना भी बारिश होता है उससे, ताकि पूरा शहर बस सके, चल सके, तरह से मेन पर्पस। तो इसका नाम जल महल होना चाहिए था। तो जैसा सिटी पैलेस है, 3 साल लगा इसको बिल्ड करने में, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इसको वास्तु के अनुसार बिल्ड किया गया है, ये भी एक बात है, पूरा वास्तु के अनुसार बिल्ड है। बाकी भैया एक चीज़ आपको बता दें, अगर आपको सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने का वो चुल है तो 300 रुपये पर पर्सन देने के एक्सप्लोर करें तो है, बट फिर भी आपको लगेगा कि कुछ तो कमी है, बट अगर आपको सच्ची में इसका मज़ा लेना है, कॉन्टेंट बनाना है आपको, एंड पैसों का वो है नहीं, तो गो देयर, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग much to do here. So finally हम लोग जंतर मंतर में आ गए हैं। अब यहाँ पे गाइड के अलावा, मतलब गाइड के बिना अगर आप आते हो तो फिर आपको कुछ घंटा समझ आएगा, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा फिर आपको समझ आएगा। हम लोग गाइड नहीं लिए क्योंकि हमारा आज काफ़ी खर्चा हो गया इसलिए। अब बात यह है कि यहाँ का टिकट है 52 रुपीस पर पर्सन, वेरी रीजनेबल। ये उस ज़माने का ग्लोब है, एंड ये एग्जैक्टली उसी एक्सिस पर टिल्टेड है जो हमारा अर्थ है, और ये जो चीज़ है, दिस इज़ द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, दिस द सन, दिस इज द अर्थ टिल्टेड, और बाकी सारे प्लैनेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये जो आप डोम देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा राशि है, और ये जो यहाँ पे गोल चीज है इसका जहाँ पे शेडो आएगा, मान लो कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के टाइम पे ये कौन से स्लॉट में आ रहा है, उस स्लॉट में जब आता है देन वो उसी राशि का आता है। मतलब यू कैन सी द लाइंस, एक्चुअली दे हैव मेड द ब्लॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइंस कितने सारे हैं, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मिथुन राशि, कुंभ राशि, करक राशि। इट्स फैसिनेटिंग मैन। देखो आपको एक और क्लैरिटी देता हूँ, ये जो सारे लाइंस है ये लाइंस क्या है, पूरे साल भर में सूर्य जो उठता है तो द एंटायर इट इज़ द ट्रैकिंग ऑफ द एंटायर सन ड्यूरिंग द एंटायर डे। ये हर दिन का या फिर हर महीने का है, दैट इज हाउ दे हैव क्रिएटेड इट। सो ये जो एरिया है मुझे लगता था कि क्या है ये। सो ये है जो वहाँ पे आप देख रहे थे कि सारा एक ही पे प्लॉटेड है, तो इसमें हर एक राशि का यहाँ पे जो ट्रैकिंग ऑफ द सन है कि इस राशि में अगर इसमें जन्म लेता है तो कौन से राशि में आ रहा है। सो द सन ट्रैकिंग है ये पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे टिल द सनसेट। जैसे यहाँ पे कैंसर, टॉरस, मेरा भाई दुबई टॉरस है। सो जब मैं पैदा हुआ था सूर्य ऐसे हुआ था। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं टैटू कैफे के नीचे, तो एकदम हवा महल के ऑपोजिट साइड में। यहाँ का व्यू माशाल्लाह, सब लोग पागल हैं ये कैफे में जाने के लिए। पानी बोतल और दी मैंने। तो हम लोग आ गए हैं टैटू कैफे में। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं क्योंकि हम लोगों का आने का टाइम था 4:30 को, लेकिन हम लोग का सब कुछ देखना हो गया था, तो क्या करें, तो आके आ गए यहाँ पे। अभी देखते क्या होता है। तो हम लोगों को 4:30 का टाइम क्यों दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे 4:30 के बाद ही सनसेट होता है, तो यहाँ का जो सनसेट व्यू है और पीछे हवा महल है तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इसीलिए वो टाइम बेस्ट है यहाँ। सो वी हैव ऑर्डर्ड दिस हवा महल स्पेशल रैप, तो जो बस शुरुआत है, बिकॉज कुछ देर बाद जब एक्चुअली सनसेट होगा, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम जैसे बताया इंद्राणी ने, तो थोड़ा जब सनसेट होगा तब एकदम अच्छे से खाएंगे, एंजॉयिंग द व्यू एंड द एटमॉस्फेयर। बट अभी भूख लगा है, मेरे से ज़्यादा इसको लग गया है। हाँ। खाओ खाओ। बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत लव इट, बहुत सुंदर है। हाँ। चलो इसकी बातें नहीं मानते, मैं खा के देखता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम लोग प्योर नॉन वेज, मतलब प्योर नॉन वेज है, नॉन वेज खा के ऐसा लगता है कि वेज में क्या ही होगा, बट दिस वेज कहीं से नॉन वेज से कम नहीं है। दिस सुपर, बहुत टेस्टी है, बहुत मसालों का एकदम पंची है, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है खाने। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, यू कैन सी 5:30 एंड यू कैन सी द ऑरेंज टिंज ऑन माय फेस। सो अगर आपको यहाँ का मज़ा लेना है तो 5 बजे आओ, 4:30 भी काफ़ी धूप रहता है, चुपता है धूप। सो नाउ आई एम गोना शो यू व्हाट वी हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड। सो थोड़ा बता दीजिए कि क्या, कौन सा क्या है। दिस इज चॉकलेट शेक, फ्रेश लाइम सोडा, पनीर सैंडविच, अल्फ्रेडो पास्ता एंड देन गार्लिक नूडल्स, हरा भरा कबाब। ओके, हरा भरा कबाब। ओके, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स टैटू कैफे फॉर यू, जहाँ से नाहरगढ़ पैलेस भी दिखता है, फोर्ट भी दिखता है, हवा महल तो खिलता है पूरा। How's it? बहुत ही सुंदर है, एकदम क्रीमी। मेरे को बैठने का तो हो नहीं रहा है कि पहले खाएं। भाई जिन लोगों को नहीं पता है, मैं सैंडविच फैन। So let's have a bite. Wow man. अगर आप जयपुर आ रहे हो, एक दिन आपको जाएगा जेल में, सॉरी ये हवा महल, सिटी पैलेस जंतर मंतर करने के लिए, उसके बाद ये ऑपोजिट में टैटू कैफे है। कम हेयर, सारे डिटेल्स कहाँ कैसे आना है, फ़ोन करके रिजर्वेशन करके आना है, तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, तो कॉल देम, बुक रिजर्वेशन, हैव ए फूड हेयर, यू विल जस्ट लव इट। लगेगा कि कल भी आप यहीं पे आके ही लंच करो आप, या फिर डिनर करो।
चॉकलेटी है पूरा और बहुत ही अच्छा है, ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। और यहाँ पे रात होते ही कुछ व्यू ऐसा होता है, गाना बजने लगता है, एम्बियंस लाइट बहुत सही व्यू है और पीछे आपका हवा महल चलता है, यू सी द स्काई कलर राइट, बहुत सही। कैसा लगा यहाँ पे लाइट? लाइट सिर्फ लाइट नहीं, आसमान का कलर देखो, बहुत सही, बहुत सही जगह है। टैटू कैफे का सिर्फ व्यू ही अच्छा नहीं है, यहाँ का खाना भी बहुत सुंदर है। एक और बात जो मुझे पता नहीं था, टैटू कैफे में एक्चुअली टैटू होता है, तो अगर आप खाना खाते का तो चूल मच गया कि इस खाने का टैटू मैं बनाऊंगा, तो अपनी जगह बना सकते हो उस खाने का टैटू। हाँ, महल के नीचे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स एक्चुअली है। जैसे ये बच्चों के लिए जूते, ये 180 का है, ये बड़ा है, एक साइज बड़ा ही है। तो हम लोग इस शॉप से हमने दो वो फ्रीज में एक फ्रीज मैग्नेट लिया और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, दो वॉल हैंगिंग टाइप ऑफ थिंग है सो वो ले लिया। यहाँ पे अच्छा खासा बार्गेनिंग करोगे तो अच्छा खासा डील आपको मिल जाएगा। बट जो भी अभी हम लोग रास्ते के ऊपर जाएंगे टू बुक एन ऑटो, उबर ऑटो टूवर्ड्स आवर होटल, होटल में जाके एक और रील शूट करना है। ये घूमने आया है, ये काम करने आया है, समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब, हमने ऊबर से ऑटो बुक किया, वो हमें देख रहे थे, हमारा गेट खोल दे रहे थे, हमारे आंखों के सामने उनका कुछ लेके भागा देखा, मुझे समझ नहीं आया, वो बोले पकड़ो पकड़ो, मैं सोचा उनका ही कोई होगा आदमी, लोग मजाक मस्ती कर रहा होगा, लेकिन उसका फोन लेके भागे हैं, वो लगाया होता ना वो होल्डर पे, वहाँ से निकाल के भागे हैं। मैं चेहरा भी देखा, वो घूम के देख रहे थे हम लोग आ रहे कि नहीं। बहुत सावधानी से रहना भाई, आपको अंदर डाल लो। तो दोस्तों, हम लोग घर आ गए थे आई थिंक 8:30 बजे और अभी 11:30 बज रहा होगा। बहुत सारा काम था वो कर रहे थे एंड अभी नियर अबाउट कंप्लीट हुआ है, सो वी आर गोना स्लीप एंड कल हम लोग बाय द वे डिनर भी नहीं किया है क्योंकि इतना खाया है कि भूख ही नहीं लगा है। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एंड कल का प्लान थोड़ा अनप्लान्ड है, देखते क्या होता है कल। सो इंस्टाग्राम फॉलो करो हम दोनों को एंड मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन अपलोड नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल एंड रैप जिंदगी। सी यू टुमारो।